सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी की वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा हो गई। लोग और मैं आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहां 13 राज्यसभा सांसद हैं,